अत्यधिक क्रूरता और अत्यधिक दुर्बलता मनुष्य को जो है जीवन में अत्याचार की ओर लेकर के जाता है। जी हाँ, उसके पतन की ओर लेकर के जाता है, उसके जीवन में असफलताओं की ओर लेकर के जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अत्यधिक दुर्बलता भी ना आने दीजिए, इसका फायदा ताकि सामने वाला ना उठा ले, और कभी भी अपने अंदर इतनी क्रूरता भी मत आने दीजिए कि सामने वाला आपसे दूर हो जाए। दोनों ही कारणों से आपके जीवन में पतन के रास्ते प्रारंभ होंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल में। जी हां, प्रस्तुत करूंगा आपके सामने 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक का संपूर्ण राशिफल। राशिफल बताने से पहले ग्रहों के गोचर के बारे में आपको समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी ग्रहों के गोचर के हिसाब से तो आपका राशिफल का निर्णय होता है। देखिए, यह सप्ताह कोई भी बड़े ग्रहों का गोचर नहीं हो रहा है। चंद्रमा जो है 26 और 27 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, 28, 29 और 30 तारीख को यह मीन राशि में रहेंगे, और 1 नवंबर को चंद्रमा जो है मेष राशि में चले जाएंगे। यानी मेष राशि और मीन राशि, यह दोनों चंद्रमा की मित्र की राशि है, जो सभी राशियों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विवेचन मेरे चैनल पे और मेरे साथ। मेष राशि वाले, कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपको सफलता की ओर यह लेकर के जाएगा। बृहस्पति का पोजीशन अच्छा है, जो आपको लॉ के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और शिक्षण संस्थान वालों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग जो है सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, मेडिसिन और फाइनेंस वालों के लिए तो शुभ फल देगा ही देगा। शुक्र का बुध के साथ जो है 23 अक्टूबर से राशि परिवर्तन राज्य की उत्पत्ति हुई है, अतः जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल वह स्थान में भी वर्तमान में रहेंगे मीन राशि में, जो थोड़ा सा शुभ नहीं रहेगा, अतः सेना से रिलेटेड, प्रशासनिक अधिकारियों से रिलेटेड और पॉलिटिशियनों के लिए थोड़ा सा यह सप्ताह संघर्षकारी हो सकता है। जब चंद्रमा का गोचर 26 और 27 तारीख को कुंभ राशि में रहेगा, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में आय स्थान में विराजमान रहेंगे। यानी 26 और 27 तारीख को धन का विशेष लाभ के साथ में बड़े भाई बहनों से उन्नति के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम में आपको विशेष सफलताओं की प्राप्ति होगी, और पानी से रिलेटेड लोगों के लिए, लिक्विड से रिलेटेड लोगों के लिए भी मेष राशि वाली यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। 28 और 29 और 30 तारीख को जो है आपको बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचने चाहिए। इस समय केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों का सामना हो सकता है, अतः आपको इस समय बचनी चाहिए। और अंतिम समय में यानी 1 नवंबर को मेष राशि का चंद्रमा जो है आपको मान प्रतिष्ठा समृद्धि के साथ संपत्ति की प्राप्ति भी करवाएगा। सेकेंड स्थान का स्वामी शुक्र जो है राशि परिवर्तन राज्य की उत्पत्ति कर रखा है बुध से, जो आपको प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक रखेगा। पारिवारिक लोगों से संपर्क आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। यही नहीं, अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता होगी। जो लोग नौकरियों में परिवर्तन करना चाहते थे, यह सप्ताह आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। सरकार के पास जो कुछ पैसे फंसे हुए हैं, वह भी आपके जीवन में प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पंचमेश सूर्य नीच अवस्था में चल रहे हैं, अतः लॉटरी सट्टा से रिलेटेड पैसे लगाने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट में जो है यह सप्ताह आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में शिक्षा और संतान की स्थिति मेष राशि वाले बहुत ही अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सप्तमेश सूर्य थोड़े खटपट करा सकते हैं, अतः अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर यह सफलता के रास्ते को प्रारंभ करेगा। पदोन्नति और प्रमोशन के लिए बृहस्पति सहायक रहेगा। यानी सप्ताह का शुरुआत और सप्ताह का अंतिम समय आपको धन वैभव लाभ के साथ में जो है वाहन
और संपत्ति का सुख प्राप्त कराने के लिए बाध्य रहेगा। यानी यह सप्ताह को और बेहतर बनाना है तो पूरा सप्ताह सूर्य को जल दीजिए और साथ में जिस नौकरी में आप ऑलरेडी विराजमान हैं उसमें स्थिरता बनाए रखिए। आगे वाले सप्ताह में देखूंगा कि आपके लिए और क्या शुभ होने वाला है। वृषभ राशि वाले, साप्ताहिक राशिफल अगर आपकी बात करूं, कर्म क्षेत्र का शनि लोहा से रिलेटेड व्यवसाय के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय के लिए सप्ताह अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। और सप्ताह के शुरुआत में ही चंद्रमा कर्म क्षेत्र का मालिक रहेगा, अतः लिक्विड से रिलेटेड लोगों के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहेगा। नए व्यापार और नए नौकरी के अवसर बहुत ही अच्छे प्रारंभ होंगे। शुक्र मीडिया से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग और मॉडलिंग से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। बुध फाइनेंस, लॉटरी सट्टा और जुआ के लिए तो शुभ फल देगा ही देगा। बृहस्पति भी अष्टमे से परंतु अपनी राशि में है, कुछ फंसे हुए पैसे या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या सरकारी कर्म क्षेत्रों में कुछ पैसे जो आपके फंसे हुए थे वह भी प्राप्त करवाएगा। यानी बृहस्पति भी जो है यह सप्ताह आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा प्रिय दर्शकों। इसके अलावा सप्तमेश केतु नौकरी में आई स्थिरताओं को थोड़ी सी आपको बढ़ावा दे सकता है, अतः आपको किसी से मतभेद नहीं करना है। और पंचमेश शुक्र राशि परिवर्तन राजयोग बनाए हुए है, अतः नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, लेकिन बहुत ही सोच समझ करके पुरानी नौकरी को आपको छोड़ने की संभावनाएं रहेंगी। अगर आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं तो थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अब यहां पे देखिए, कर्म क्षेत्र का चंद्रमा शुरुआत में ही आपको नए नौकरी के अवसर को प्रारंभ कर देगा। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, खराब नहीं रहेगा। इसके अलावा जो है पिता से लाभ की प्राप्ति करवाएगा। 28, 29 और 30 तारीख को आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। यही नहीं, इतना पैसा आएगा कि सप्ताह के अंतिम समय में आप कर्ज की समाप्ति कर बैठेंगे। यानी मैं यही बोलना चाहूंगा कि सप्ताह के अंतिम समय यानी 1 नवंबर को जो है आपको बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। उससे पहले अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर ले तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब यहां पे दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंध की बात मैं करूं तो विवाह का जो दाम्पत्य स्थान का मतलब स्वामी है केतु, वह दाम्पत्य जीवन को थोड़ा अस्थिर करेगा, लेकिन यह सप्ताह प्रेम संबंध वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। मित्रों से संपर्क स्थापित होंगे, साथ में जो है पारिवारिक रिश्ते भी आपके बहुत ही सही होंगे। यही नहीं, पंचमेश बुध जो है आपको शिक्षा संतान से रिलेटेड विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा, और साथ में जो है जो नए नौकरियों के अवसर तलाश रहे आपके लिए शुभ समय रहेगा। यह सप्ताह जो है वृष राशि वाले, आप बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी आपके बहुत अच्छे जगह पे होंगे, और माता से थोड़ा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन पिता से जो है 26 और 27 तारीख को विशेष धन की प्राप्ति होगी। यही नहीं, यह सप्ताह में जो है आपको इतने धन अवश्य आएंगे कि वाहन और संपत्ति की प्राप्ति करवाएंगे। यह रजिस्ट्री के लिए यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि वाले, पूरे सप्ताह को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करिए तो आप देखिएगा कि कुछ बाधाएं जो व्यापार और नौकरियों में आएंगी या जीवन साथी का स्वास्थ्य जो थोड़ा खराब रहेगा वह ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वाले, साप्ताहिक राशिफल की अगर मैं बात करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र का मंगल इंजीनियर से रिलेटेड लोगों के लिए सफलताकारी रहेगा। अग्निशामक विद्युत से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। शिक्षा संस्थान और कानूनी से रिलेटेड क्षेत्रों के लिए सप्ताह बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन के कारण फाइनेंस, होटल्स, रेस्टोरेंट, फूडिंग से रिलेटेड काम के लिए और साथ में जो है मीडिया और कॉस्मेटिक वगैरह से रिलेटेड फैशन की वस्तुओं से रिलेटेड कार्य क्षेत्र वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, पंचमेश बुध जो है आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपको धन की प्राप्ति भी करवाएगा, और साथ में जो है चंद्रमा का गोचर भाग्य स्थान कर्म क्षेत्र और आय क्षेत्र में होगा, अतः भाग्यशाली भी बनाएगा। प्रमोशन और पदोन्नति के भी रास्ते को यह प्रारंभ करेगा। साथ में जो है सप्ताह के मध्य में नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोगों के साथ आपके संपर्क स्थापित होंगे, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति दी जाएगी, और अंतिम समय में आपको विशेष धन की प्राप्ति के साथ प्रेम संबंध और अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित होंगे। अगर मैं बात करूं रिश्तेदारों की तो भाई बहनों से रिश्ते काफी अच्छे रहेंगे यह सप्ताह। शिक्षा से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। पंचमेश बुध शिक्षा और संतान से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा।
कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहेगा, वाहन खरीदने के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहेगा। सिक्स्थ हाउस का केतु ऑलरेडी कर्ज से आपको धीरे धीरे मुक्ति दे रहा है मिथुन राशि वाले, फिर भी समय को और अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय मैं बताता हूं। इस सप्ताह को और अच्छा बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो है भगवान शिव को जल में मधु मिलाकर के पूरा सप्ताह चढ़ाइएगा तो कुछ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। कर्क लगन वाले साप्ताहिक राशिफल की अगर मैं बात करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र का मंगल भाग्य स्थान में है, यानी अग्निशामक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, इसके अलावा फाइनेंस रिलेटेड लोगों के लिए सप्ताह अत्यधिक लाभकारी रहेगा। जो व्यक्ति प्रशासनिक, गुप्तचर और साथ में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम में है, आपके लिए तो राहु बल्ले बल्ले फल देने वाला है। सप्तमेश शनि थोड़ा सा अस्थिरता दे सकता है क्योंकि मार्केश तत्वों का फल को प्रदान करेगा, अतः उद्योग से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं बात करना चाहूं कि जो व्यक्ति कानून से रिलेटेड या शिक्षण संस्थान से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए यह सप्ताह अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड है उनके लिए शुभ रहने वाला है। राशि परिवर्तन हो रहा है शुक्र का बुध के साथ, तो मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए, फैशन से रिलेटेड लोगों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला होगा। अब यहां पे देखिए कि चंद्रमा का गोचर जो होगा आपकी कुंडली में 26 और 27 तारीख को कुंभ राशि में रहेगा, जो अष्टमेश रहेंगे कर्क राशि वाले, जो आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। यानी सप्ताह का शुरुआत 26 और 27 तारीख को मानसिक तनाव के साथ में जो है थोड़े से उलझनों के साथ प्रारंभ होगा, अतः 26 और 27 तारीख को आप किसी से मतभेद नहीं करेंगे और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सप्ताह के मध्य और अंतिम समय बहुत ही शुभ है। सप्ताह का मध्य में प्रमोशन, पदोन्नति, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित, ज्ञानवान जगह का दर्शन यानी धार्मिक प्लेस में आप जो है जाएंगे, और सप्ताह के अंतिम समय में जो है चंद्रमा आपको नौकरी जो फंसे हुए थे या बॉस से लिटिगेशन चल रहा था या ट्रांसफर पोस्टिंग के चलते कुछ बेचैन थे और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था तो आपको बैठे बैठे वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी कर्क राशि वाले। आय स्थान का राहु स्वामी है और सूर्य धन स्थान का जो है वह नीच अवस्था में है। हालांकि बुध आदित्य योग बनाया हुआ है फिर भी धन अचानक तो आने की संभावनाएं आप ज्यादा नहीं करें तो बेहतर है। मेहनत से ही धन की प्राप्ति होगी लेकिन पर्याप्त धन आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगी, बड़े भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति होगी, लव रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा नहीं रहने वाला है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, पारिवारिक मतभेद से यह सप्ताह आपको बच के रहना पड़ेगा, किसी मित्र पे आपको विश्वास नहीं करनी चाहिए, अगर आप करते हैं तो मैं सीधा बोलूंगा कि नुकसान के लिए भी आप तैयार रहिए। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं सोच समझ के करिएगा क्योंकि सप्ताह का शुरुआत कुछ गलत निर्णय चंद्रमा आपको दिलवा सकता है। छोटे भाई बहनों से और माता पिता से विशेष सुखों की प्राप्ति होगी, यह सप्ताह के मध्य में और अंतिम समय में आवाहन या संपत्ति का प्राप्ति कर सकते हैं या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पंचमेश केतु निश्चित तौर पर थोड़ा सा शिक्षा में बाधा, संतान संबंधी थोड़ा सा कष्ट और क्रोध को प्रेरित करेगा, अतः मैं यही बोलूंगा कि आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखना चाहिए, शिक्षा पे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी से आपको कॉन्फिडेंट बढ़ा करके रखना चाहिए। आगे की बात अगर करना चाहूं यह सप्ताह कर्ज मुक्ति के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। दांपत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है परंतु ससुराल पक्ष से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। स्वास्थ्य की अगर बात करूं थोड़ी पेट की समस्याओं से कर्क राशि वाले यह सप्ताह परेशानियां हो सकती हैं। पूरा सप्ताह को बेहतर बनाना है चंदन का तिलक लगाइए और वाणी पर नियंत्रण रखिए तो देखिए कर्क राशि वाले कुछ शुभ फल अवश्य आपको प्राप्त होंगे क्योंकि जहां गलती की संभावनाएं समाप्त होती हैं वहीं पर सफलताएं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिंह राशि वाले आपकी बात में करूं साप्ताहिक राशि फल का, कर्म क्षेत्र का राहु आपको जो व्यक्ति सेना पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं विशेष लाभकारी रहेगा। बुध फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में कहीं से भी आपको नुकसान नहीं देने वाला है। शुक्र जो है आपकी पत्रिका में बुध से राशि परिवर्तन राज्य को बनाए हुए है यानी पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड काम,
मीडिया से रिलेटेड काम के लिए, होटल्स, रेस्टोरेंट, फूडिंग से रिलेटेड काम के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। पंचमेश बृहस्पति जो है आपको लॉटरी सट्टा जुआ, साथ में जो है लॉ और शिक्षण संस्थान वालों के लिए शुभ है। शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड लोगों के लिए, और साथ में जो है जो व्यक्ति प्रॉपर्टी लोहा या कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए रास्ते बहुत ही अच्छे प्रारंभ रहेंगे। मंगल और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अतः जो व्यक्ति सेना में है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और जो व्यक्ति प्रशासनिक में है, जो मेडिसिन इसके अलावा कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलकारी रहेगा। सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तमेश रहेंगे, यानी 26-27 तारीख को व्यापार में बढ़ोतरी का संभावना बढ़ जाएगा, कर्ज के मुक्ति के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अष्टमेश हो जाएंगे, यानी 28, 29 और 30 तारीख को सिंह राशि वाले बड़े इन्वेस्टमेंट से बचने हैं, सोचे समझे कहीं भी पैसे नहीं फंसाना है, किसी के बातों में नहीं आना है और साथ में किसी का कोई गारंटर या कोई भी प्रॉपर्टी विवाद में आपको नहीं फंसना है। सप्ताह के अंतिम समय में प्रमोशन, पदोन्नति और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित हो जाएंगे। आय स्थान का बुध और धन स्थान का शुक्र दोनों एक हो रहा है राशि परिवर्तन राज्यों, आय भी होंगे, धन भी होंगे, यात्राएं भी करेंगे, पुराने कस्टमर्स या फिर पुरानी नौकरियों में आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी की संभावनाएं मिलेंगी। प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा रहने वाला रहेगा, प्रेम से विवाह के रास्ते अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति के साथ बड़े भाई बहनों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। माता से मतभेद नहीं करना है, ऑलरेडी माता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है तो माता से तालमेल आपको अच्छे बना के रखना है, लेकिन पिता से आपको निश्चित तौर पर कुछ उच्चता लाभ की प्राप्ति सिंह राशि वाले हो जाएंगे। शिक्षा और संतान बहुत ही अच्छा रहने वाला है, साथ में नए जॉब के लिए या नए नौकरी या नए व्यापार के लिए जो प्रयासरत हैं आपके लिए सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। शत्रुता और कर्ज के लिए सप्ताह अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। सप्ताह के अंतिम समय में आप कुछ बड़े फैसले लेंगे और कुछ बड़े सुखों का भोग करने हेतु वाहन, संपत्ति या फिर अच्छे गैजेट्स आप परचेज करेंगे। यह सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए पूरा सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए सिंह राशि वाले, अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रत्येक दिन हनुमान जी को जो है दर्शन करके निकलिए, तो आपका यह सप्ताह अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, अगर आपकी बात करूं मैं साप्ताहिक राशि फल का, सप्ताह का शुरुआत में ही बुध जो है यानी कर्म क्षेत्र का स्वामी धन स्थान में बैठा है, तो बैंकिंग, फाइनेंस, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कन्या राशि वाले प्रॉपर्टी, कोयला और साथ में जो है खनिज संपदा और उद्योग से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। शराब से रिलेटेड लोगों के लिए सप्ताह का शुरुआत थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन अंतिम समय और मध्य का समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथ में जो है मीडिया, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है आपके लिए कन्या राशि वाली यह सप्ताह अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने की संभावनाएं रहेंगी। सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा जो है 26 और 27 तारीख को छठे घर में विराजमान रहेगा, जो आपको कर्ज और लोन की ओर फंसाएगा, लेकिन जो कर्ज और लोन वाकई में लेना चाहते हैं उनको मिल जाएंगी, लेकिन जो नहीं लेना चाहते हैं आप मत लीजिएगा, गलत डिसीजन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो है सप्ताह का मध्य में आपके व्यापार भी चलेंगे, नौकरी में स्थिरताएं भी आएंगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी होंगे, बड़े बॉस, बड़े भाई या बड़े चाचा या फिर दूर के किसी रिश्तेदार या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लोगों के से आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। सप्ताह के अंतिम समय में जो है आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, सप्ताह के अंतिम समय में बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए और अगले सप्ताह का राशिफल का इंतजार करना चाहिए कन्या राशि वाले। आय स्थान का चंद्रमा धनी बनाएगा, धन स्थान में बैठा हुआ है बुध और सूर्य बुधादित्य योग, यह भी आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। प्रशासनिक और क्षेत्रीय कर्म क्षेत्र वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा शुभ रहेगा ही रहेगा कन्या राशि वाले। प्रेम संबंध में अगर आप मधुरता बनाते हैं और वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा, संतान और संपत्ति के मामले में यह सप्ताह आपका अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला है, यानी सप्ताह के मध्य में यानी 28, 29 और 30 तारीख को ही जो है आपके व्यापार और धन की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो आप संपत्ति का और घर वगैरह रजिस्ट्री कराने के लिए जो है प्रेरित हो जाइएगा।
स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चेहरे में फोड़े फुंसी और पेट संबंधी थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखना होगा। जो विवाह के रिश्ते टूट चुके थे वह रिश्ते तो आएंगे, लेकिन आपको क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। कन्या राशि वाले सप्ताह को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो चंदन का तिलक प्रत्येक दिन लगा करके घर से निकलिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए, नहीं तो कुछ गलत डिसीजन आपको यह सप्ताह में अत्यधिक धन का व्यय करा सकता है। कन्या राशि वाले तुला राशि वाले आपकी अगर मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत में ही है चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में पंचमेश रहेंगे, यानी लिक्विड से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए, नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी के लिए, मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए और फाइनेंस रिलेटेड लोगों के लिए और प्रशासनिक अधिकारी यानी सरकारी नौकरियों वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने की संभावनाएं रहेंगी। जो लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है थोड़ा सा संघर्षकारी समय रहेगा, लेकिन प्रशासनिक और सेना के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। जो शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फूडिंग से रिलेटेड या खाद बीज से रिलेटेड या मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो आपको यह सप्ताह कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, सप्ताह का शुरुआत ठीक रहेगा। सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा आपके जो है तुला राशि वाले पंचमेश रहेंगे, यानी 26 और 27 तारीख को व्यापार और नौकरी के अच्छे रिश्ते प्रारंभ होंगे। 28, 29 और 30 तारीख को जो है नौकरी में मतभेद, बॉस से मतभेद, पिता से मतभेद, धन का व्यय और आय स्थिरताओं की संभावनाएं रहेंगी। अतः 28, 29 और 30 तारीख को जो है तुला राशि वाले अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको गलत डिसीजन आपके जीवन में आ सकता है। इसके अलावा आय स्थान का मालिक सूर्य और धन स्थान का स्वामी मंगल धन में आपको यह सप्ताह कमी नहीं करेगा। जो कर्ज लेना चाहते हैं उनके लिए सप्ताह 28, 29 और 30 तो ठीक रहेगा। हालांकि कर्ज लेना तो तुला राशि वाले शुभ नहीं होता है, फिर भी मेरा काम तो आपको राय देना है। इस सप्ताह जो है आपका व्यय स्थान का जो है शुक्र राशि परिवर्तन होने के बावजूद भी जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड मीडिया और कॉस्मेटिक वालों के लिए विशेष धन लाभ की योग बना रहे हैं। दांपत्य जीवन यह सप्ताह आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, कहीं से कोई शक नहीं है, लेकिन प्रेम रिलेशनशिप में जो है आपको 28, 29 और 30 तारीख को बहुत ही संघर्ष और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। यह सप्ताह का शुरुआत में ही जो है आपको भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई बहनों से धन की प्राप्ति तो होगी। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन 28, 29 और 30 तारीख को जो है आपको जो है पिता से रिश्ते को बचा करके रखना है और अपने नौकरी में जो आपके बॉसेस हैं उनसे आपके तालमेल को बना करके रखना पड़ेगा। शिक्षा और संतान के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा कष्ट आपको हो सकता है, वह भी कब, 28, 29 और 30 तारीख को, यानी पैर में और पेट में थोड़ी सी संभावनाएं और मानसिक अशांति हो सकती है। अतः 28, 29 और 30 तारीख को तुला राशि वाले आपको क्या करना है, शिवलिंग पे जल में दूध मिलाकर के चढ़ाना है। पूरा सप्ताह अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो केसर और हल्दी का तिलक लगाइए और 28, 29 और 30 तारीख को कोई भी फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो मेरा राशिफल बताना व्यर्थ चला जाएगा। वृश्चिक राशि वाले साप्ताहिक राशिफल में अगर मैं आपकी बात करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र का स्वामी ऑलरेडी व्यय स्थान में नीच का है, यानी यह सप्ताह का शुरुआत में जो है व्यवसाय हो या नौकरी हो सभी लोगों को बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। खास करके जो सरकारी कर्म क्षेत्र में है, जो मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा। मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए, कॉस्मेटिक से और कपड़ों से रिलेटेड लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो व्यक्ति फूटिंग से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान या कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए ठीक है। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है आपके लिए बहुत ही शुभ है और फाइनेंस वालों के लिए तो बल्ले बल्ले रहेगा ही रहेगा। सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा चतुर्थ स्थान में विराजमान होगा और यह आपको सप्ताह के शुरुआत में विशेष धन की प्राप्ति के साथ संपत्ति की प्राप्ति कराने में बाध्य रहेगा। सप्ताह का मध्य में 28, 29 और 30 तारीख को जो है आप संपत्ति की भी प्राप्ति करेंगे, आपका प्रमोशन और पदोन्नति के भी रास्ते प्रारंभ होंगे, पिता से भी रिश्ते आपके सही होंगे,
क्योंकि आपके पिता से रिश्ते कुछ दिनों से अच्छे वृश्चिक राशि वाले नहीं चल रहे हैं। सप्ताह के अंतिम समय में कर्ज संबंधित और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि धन स्थान का बृहस्पति और आय स्थान का शुक्र आपको जो है धन की कमी नहीं करेगा। प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे, प्रेम से विवाह के योग प्रारंभ होंगे। यह सप्ताह आप अपने किसी मित्र को या प्रेमी या प्रेमिका को जो है मदद भी करेंगे। यह सप्ताह आपको परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और परिवार के कुछ बड़े लोग भी जो है आपको सहयोग करेंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्ते यह सप्ताह बहुत ही अच्छे रहनेंगे। वृश्चिक राशि वाले सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए जो पैसे फंसे हुए हैं, पैसे तो निकल जाएंगे लेकिन नए टेंडर वगैरह के कोई भी रास्ता बहुत ही अच्छा प्रारंभ नहीं होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों के लिए, कोयला से रिलेटेड लोगों के लिए सप्ताह तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा ही रहेगा। माता से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, सुख की प्राप्ति होगी, फंसी हुई प्रॉपर्टी भी आपको प्राप्त होगी, घर के रजिस्ट्री या वाहन का सुख भी आपको प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा और संतान बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपके संतान नाम को रोशन करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित थोड़े यूरिन इन्फेक्शन या पेट संबंधी थोड़ी संभावनाएं, हेयर फॉल की समस्याएं या फिर पिंपल्स वगैरह का समस्या हो सकता है या गले संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए पूरा सप्ताह आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक दिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले धनु लगन या माफ करेंगे धनु राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं साप्ताहिक राशिफल की, सप्ताह के शुरुआत में जो है कर्म क्षेत्र में राशि परिवर्तन करके शुक्र विराजमान है, यानी यह सप्ताह नए नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। खास करके मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए, सरकारी कर्म क्षेत्र से रिलेटेड लोगों के लिए, फाइनेंस मेडिकल इक्विपमेंट्स के रिलेटेड लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। लग्न का बृहस्पति शिक्षण संस्थान और साथ में जो है कानून संबंधित फुटिंग से रिलेटेड लोगों के लिए समय शुभ रहेगा। और धन स्थान का शनि, जो व्यक्ति कोयला प्रॉपर्टी लोहा या उद्योग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए तो असफलता हो ही नहीं सकता। मंगल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों के लिए तो शुभ रहेगा ही। और सिक्स्थ हाउस का राहु जो है धनु राशि वाले, आपको लॉटरी सट्टा या दो नंबर के व्यवसाय के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा तीसरे घर में विराजमान रहेगा, फिर चौथे में जाएगा, फिर पांचवे में जाएगा। यानी धनु राशि वाले सप्ताह का शुरुआत में सरकार से फंसे हुए पैसे प्राप्त होंगे, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे। सप्ताह के मध्य में संपत्ति की प्राप्ति होगी, कोई भी आश्वासन कहीं से मिल रहा था पैसे मिलेंगे, सरकारी रिलेटेड काम में बाधाएं हो रही थी, घर का नक्शा नहीं पास हो रहा था या घर रजिस्ट्री नहीं हो रहा था, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। सप्ताह के मध्य में माता से लाभ के साथ पुराने कोई स्टाफ्स वगैरह जो आपके भाग गए थे वह भी आपके पास वापस आ जाएंगे। सप्ताह के अंतिम समय में शिक्षा में उन्नति, धन की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, प्रेम से विवाह के योग बन रहे हैं। यही नहीं, पहले से जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा था वह और भी अच्छा हो जाएगा। ससुराल पक्ष से जो है विशेष धन की प्राप्ति होगी और विवाह के लिए आपको जो है उपयुक्त धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। यानी यह सप्ताह आपको ना संपत्ति की कमी होगी धनु राशि वाले और ना धन की कमी होगी। आपके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप थोड़ा सा ज्यादा सीधे होते हैं ना धनु राशि वाले। माता और पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और वाणी पर नियंत्रण रखना है, सत्य नहीं बोलना है, यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहेगा। हालांकि मैं क्या बोलूं, कोई उपाय तो विशेष नहीं है, फिर भी पूरा सप्ताह सूर्य को जल दीजिएगा तो कम से कम जहां 2000 आना है वहां पे 10000 आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बड़े भाई बहनों से विशेष लाभ की प्राप्ति का योग बनता है। धनु राशि वाले साप्ताहिक राशिफल यानी 26 से 1 नवंबर के मध्य में। मकर राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करूं साप्ताहिक राशिफल का, तो कर्म क्षेत्र का सूर्य और बुध नए नौकरी के अवसर को प्रारंभ करेगा। पिता या बड़े भाई बहनों से या बॉस से मतभेद की समाप्ति के साथ आपको जो है उच्च पद की ओर प्रेरित हो जाएंगे। भाग्य स्थान का शुक्र मीडिया फूडिंग से रिलेटेड और साथ में फैशन से रिलेटेड लोगों के लिए और साथ में कॉस्मेटिक से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ तो रहेगा ही। लग्न में शनि बैठे हुए हैं मकर राशि वाले, शुभ है आपको जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चमड़े के व्यवसाय से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए बहुत अच्छा है। वह स्थान का बृहस्पति
विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ कानून से संबंधित, ज्ञान यानी शिक्षा से संबंधित और धर्म क्षेत्रों से रिलेटेड लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहेगा। यही नहीं, मकर राशि वाले विदेशों से भी आपके डिमांड जो है आएंगे, और इंडिया छोड़ के विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो वह भी आपके बहुत ही ठीक हो जाएंगे। तृतीय मंगल आपको जो व्यक्ति प्रशासनिक सेना के क्षेत्र में है आपके लिए शुभ रहेगा, और साथ में जो है जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा या जुआ में पैसा लगाना चाहते हैं तो मैं पर्सनली राय दूंगा मकर राशि वाले, यह सप्ताह आप इस प्रकार के क्षेत्रों में पैसा नहीं लगाइए क्योंकि इन प्रकार के क्षेत्रों वालों के लिए नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा धन स्थान में विराजमान हो जाएगा, नए प्रेम के संबंध स्थापित होंगे, नए विवाह के रिश्ते आपके आएंगे, पारिवारिक रिश्ते ठीक होंगे, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त होगा, वाणी पे आपके नियंत्रण होंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा तृतीय हो जाएंगे, रिश्तेदारों से जो रिश्ते खराब चल रहे थे वह भी ठीक होंगे, सरकार से रिश्ते अच्छे होंगे, ज्ञान और बुद्धि में आपकी बढ़ोतरी होगी, यानी पहली बार जो है आप बुद्धि से बहुत बड़ा काम को करके अपने लाभ को प्राप्त करेंगे। और सप्ताह के अंतिम समय में मकर राशि वाले आपको भूमि मकान वाहन और संपत्ति की प्राप्ति होगी, इस बात का मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। पहले से जिनके लव रिलेशन खराब चल रहे थे या फिर दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था, सप्ताह का शुरुआत में ही सीधा सीधी विष्णु जी उसको ठीक करेंगे, यानी चंद्रमा धन स्थान में जाएंगे, चंद्रदेव उसको ठीक करेंगे। साथ में जो है यह सप्ताह में आपको थोड़ी चंचलताएं बढ़ेंगी जिस कारण से शिक्षा को लेकर थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कर्ज संबंधित समाप्ति निश्चित तौर पर यह सप्ताह हो जाएगा। आप सोच लिए हैं कि सप्ताह का शुरुआत में कर्ज खत्म करना है और सप्ताह के शुरुआत में इतने पैसे आएंगे मकर राशि वाले कि आप सप्ताह के शुरुआत में ही कर्ज को समाप्त कर देंगे। यही नहीं, मकर राशि वाले यह सप्ताह स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पर पेट संबंधी थोड़ी सी समस्याएं और क्रोध और चिड़चिड़ापन थोड़ा आ सकता है, चेहरे में फोड़े फूंस से संबंधित समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। साथ में जो है कुछ जो है फ्लू वगैरह या अचानक 2-3 दिनों के लिए हल्का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हालांकि इसको ठीक करने के लिए आप जल में चंदन मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो इसका रत्ती भर भी प्रभाव आपके ऊपर अशुभता वाला नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राहु विराजमान होने के कारण पंचमेश होगा। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं साप्ताहिक राशि फल की 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर के मध्य का, सप्ताह के शुरुआत में केतु कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेगा। कुंभ राशि वाले आप दयालु भावुक तो होते हैं लेकिन कर्म क्षेत्र का केतु आपको अपने हक के लिए विवाद करवा करके आपको पद की प्राप्ति करवाएगा। यही नहीं, सूर्य और बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग जो है प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते को प्रारंभ करेगा, लेकिन आपको अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों के नौकरियां छूट चुकी थी या विवाद चल रहा था या आपके पीछे षड्यंत्र हो रहा था, सप्ताह का शुरुआत में ही यह समस्याएं भी जो है आपके कुंभ राशि वाले दूर हो जाएंगी। यही नहीं, लोहा से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, लॉ या कानून से रिलेटेड लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। बाकी फाइनेंस वालों के लिए तो शुभ है, लेकिन जो व्यक्ति मेडिसिन यानी मेडिकल से रिलेटेड, कांच से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, सरकारी नौकरियों से रिलेटेड है, आपको यह सप्ताह बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि प्रमोशन तो नहीं होगा, बॉस से मतभेद भी आपको नहीं करना है। परंतु एक खुशखबरी रहेगा कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, यानी आपको मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा। सप्ताह के शुरुआत में आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सप्ताह के शुरुआत में जो है संतान से सुखों का प्राप्ति का योग बन जाएगा। सप्ताह के मध्य में 28, 29 और 30 तारीख को जो है आपको नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी आएंगे, नए व्यापार में परिवर्तन करने के अपॉर्चुनिटी आएंगे और आप तुरंत परिवर्तन करके जो है आप अपने आप को सिक्योर करिएगा। सप्ताह के मध्य में प्रेम संबंध आपके ठीक हो जाएंगे, विवाह के रिश्ते आपके अचानक सेट हो जाएंगे, धन की प्राप्ति के साथ सप्ताह के अंतिम समय में पराक्रमी के साथ परिवार के लोग आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति करवाएंगे। सप्ताह के अंतिम अंतिम समय में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा और आपके ज्ञान और बुद्धि में थोड़ी चालाकी आएगी जिससे आने वाले समय में आप सामने वाले से अच्छा फायदा निकाल के अपने रिश्ते को अच्छा बनाएंगे कुंभ राशि वाले। पिता से और माता से रिश्ते
राशि परिवर्तन बुध और शुक्र का जो है आपको ठीक बना करके रखेगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब निश्चित तौर पर रहेगा। पंचमेश बुध जो है सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाए हुए है, यानी शिक्षा संतान और बुद्धि में कहीं से भी आपको कमी नहीं होगी। लॉटरी सट्टा और जुआ के लिए समय विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि आय स्थान का बृहस्पति विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड लोगों के लिए सफलता का प्राप्ति करवाएगा। सप्ताह के मध्य में और अंतिम समय में जो है कुंभ राशि वाले आप जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगगी। दाम्पत्य जीवन थोड़ा अस्थिरता पूर्ण रहेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में वह रिश्ते आपके ठीक हो जाएंगे और सप्ताह के अंतिम समय में पूरे के पूरे रिश्ते में जो है विचारों में जो है सहूलियत हो जाएगी, मतलब हर मामले में सही हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी सिर दर्द की समस्याओं के साथ पाचन शक्ति की समस्याएं यह सप्ताह हो सकती है। मैं देख रहा हूं कि सभी के जीवन में स्वास्थ्य का योग सभी राशियों में दिख रहा है। पूरा सप्ताह जो है अगर आप बहुत बढ़िया चाहते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। आप पूरा सप्ताह जो है अगर आप गरीबों को गुड़ का रसगुल्ला खिलाते हैं तो यह समस्याएं भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। यह सप्ताह आपके लिए कुंभ राशि वाले बेहतर इस कारण से यह भी रहेगा क्योंकि पिता के द्वारा या उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क जो स्थापित होंगे तो यह सप्ताह आपके बहुत स्मूथ निकल जाएंगे। मीन राशि वाले साप्ताहिक राशि फल में अगर आपकी मैं बात करना चाहूं तो सप्ताह के शुरुआत में ही जो है बृहस्पति कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेगा, यानी उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। ज्ञान शिक्षा लॉ कानून फुटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए विशेष शुभ और धन की प्राप्ति का योग बनाता है, देख रहा हूं मैं बृहस्पति। आय स्थान का शनि लोहा से रिलेटेड उद्योग से रिलेटेड कोयला से रिलेटेड संपत्ति से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ है। प्राकर्म क्षेत्र का राहु लॉटरी सट्टा जुआ ठेकेदारी साथ में जो है जो व्यक्ति दो नंबर के काम को करते हैं उनके लिए भी यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। लग्न का मंगल मीडिया से रिलेटेड, लग्न का मंगल ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड खेलकूद से रिलेटेड लोगों के लिए समय शुभ रहेगा। यही नहीं सूर्य की स्थिति जो है बहुत अच्छा नहीं है, यानी जो व्यक्ति फाइनेंस में कर्ज देने का काम करते हैं, जो मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो व्यक्ति प्रशासनिक में है, आपको यह सप्ताह पूरा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। मीन राशि वाले सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा वय स्थान से प्रारंभ होगा, यानी सप्ताह का शुरुआत में आपको बड़े खर्चों से बचने हैं। सप्ताह के शुरुआत में जो है आपको गलत जगह पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। सप्ताह के शुरुआत में 26 और 27 तारीख को आपको चुपचाप मौन धारण करके बैठ जाना है। गलती करेंगे धन की भी हानि होगी, गलती करेंगे नौकरी से भी हाथ धोइएगा। सप्ताह के मध्य में और सप्ताह के अंतिम समय में मान सम्मान इज्जत धन की प्राप्ति नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी के साथ में प्रेम संबंध भी आपके ठीक हो जाएंगे। सप्ताह के अंतिम समय में समाज से आपको धन की प्राप्ति होगी, नए नए कंसाइनमेंट नए नए ऑर्डर्स नए नौकरियों में परिवर्तन व्यापार में उच्च प्रकार के कस्टमर्स से आपका नाता जुड़ेगा। मीन राशि वाले भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, माता और पिता से विशेष धन की प्राप्ति होगी। शिक्षा और संतान में सप्ताह का शुरुआत 26-27 ठीक नहीं रहेगा, लेकिन 27 के बाद संतान के कारणों से जो चिंता चल रही थी या संतान उत्पत्ति कारणों से जो चिंता चल रही थी यह समस्याएं भी आपके दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन तो बहुत बढ़िया रहेगा ही रहेगा, यह सप्ताह का मध्य और अंतिम समय होते होते आप कुछ न तो कुछ संपत्ति गैजेट्स इसके अलावा जो है वाहन वगैरह की प्राप्ति कर सकते हैं। पदोन्नति या प्रमोशन है तो यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा, फिर भी पैरों में कष्ट बायां और नेत्र संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा पूरा सप्ताह। और सप्ताह के शुरुआती दौर में दो दिन आपका पाचन शक्ति ठीक नहीं रहेगा, तो जल में दूध मिलाकर के सप्ताह का शुरुआती दो दिन आप 26 और 27 को चढ़ाइए और पूरा सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए जो है बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरा सप्ताह अपने भोजन में आप थोड़ा सा गुड़ शामिल कर लीजिए, यानी प्रातः काल गुड़ खा करके निकलिए तो आपका सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। मीन राशि वाले प्रिय दर्शकों मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विवेचन मैंने आपके सामने कर दिया है। अनुरोध करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे, अतः चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जिम्स भैरवी गुप्ता को भी आप लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में,
और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं तो सिर्फ ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।